अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? आप इंशाल्लाह ताला आप लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दौड़ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक तरबूज पड़ा हुआ है। वो मैं आपको चाय की तीन नजर आती हूँ वीडियोज़ में, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए तरबूज को लेकर, इसके फायदे को लेकर आपके सामने आई हूँ। आप लोगों को मैं बना के देने वाली हूँ इसका एक टोनर, महंगे महंगे टोनर से बक्का की जान छुटने वाली है, क्योंकि हम लोग गर्मियों में मोहब्बत के शरबत का जूस बनाने वाले हैं और इसका टोनर बनाने वाले हैं। अब हम लोगों ने जो है आपको मैं इसकी अफादियत बताती हूँ। इसकी अफादियत ये है कि इसमें विटामिन ए, बी, सी ये सब इसके अंदर पाया जाता है और इसमें फाइबर पाया जाता है। और इसकी जो अफादियत है उसके बारे में तो अगर मैं जिक्र करूँगी तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। बस इतना कहूँगी कि हमारे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये तरबूज खाना बहुत पसंद था, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तरबूज खाते थे तो इसके साथ वो खजूर को लेना पसंद करते थे। अच्छा, मैं ये भी बताती चलूँ कि जिन लोगों को बॉडी की खारिश का, एलर्जी का प्रॉब्लम है, मुझे भी बीच में ये प्रॉब्लम हुआ है, इसका बहुत ही इजी जो हल है, इंशाल्लाह ताला इससे बहुत जल्दी फाका हो सकता है अगर आप इसको सही मायनों में यूज़ करते हैं। मैं वो आपको पहले बताती चलूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसको हम लोगों ने कटिंग करने के बाद उसका जूस बना लेना है, और जूस बनाने के बाद हम लोगों ने उसमें इमली को भिगो के रख देना है। इमली को भिगोने के बाद जब वो बिल्कुल नरम हो जाए तो उसकी गुठली निकाल लेनी है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आप उसको अगर पूरी बॉडी पे लगाते भी हैं और पी भी लेते हैं, 3-4 दिन में इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, और जिन लेडीज़ को अमूमन की प्रॉब्लम होती है जैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप व्यूअर्स? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं तरबूज, और तरबूज को मैं क्या करने वाली हूँ जी, तो मैं इसका बनाने वाली हूँ एक ज़बरदस्त टोनर, क्योंकि हम लोग एक्सपेंसिव टोनर यूज़ करके अब थक चुके हैं। और जाहिर सी बात है सबकी पहुंच में होता भी नहीं है कि वो टोनर ख़त्म हो जाए तो वो फौरन मार्केट चले जाए टोनर ले लें। तो जिन लेडीज़ के घर में टोनर ख़त्म हो चुका है या जो लोग टोनर यूज़ नहीं करते तो उनको टोनर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आज हम लोग घर पे बनाने वाले हैं टोनर। तो उससे पहले मैं इसकी एक अफादियत पे आपको बता दूँ, इसकी अफादियत क्या है। एक तो सबसे पहले गर्मियों का ये मोहब्बत का फ्रूट कहलाया जाता है। मोहब्बत का फ्रूट जो है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी और इसमें फाइबर पाया जाता है, और इससे हमारी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। एक ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करने के बाद आप लोगों ने एक ग्लास इसका